गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हूँ हर्षबेन पुरोहित। आपणे हिंदी में धोरण 6 ની અંદર આપણે હિન્દી માં પાઠ 5 ધરતી કો મહેકા એ આપણે કાવ્ય સમજ્યા અને આટલું અભ્યાસ સમજ્યા હતા। આપણે અહીંયાથી બાકી છે। આપણે છેલ્લા પ્રશ્નમાં અહીંયા સમાનાર્થી શબ્દો ને તેના વાક્યો કર્યા હતા। હવે અભ્યાસમાં આગળ કે ચિત્ર કે આધાર પર 5-6 વાક્ય લખીએ। અહીંયા સેના સેના ચિત્રો આપેલા છે એ ચિત્રની આધાર પર તમારે 5-6 વાક્ય બંને વિશે લખવાના છે। તો અહીંયા આપણે પહેલા જોઈશું સૂર્ય વિશે। હવે હું તમને હિન્દીમાં સમજાવીશ કે ચિત્ર કે આધાર પર 5-6 વાક્ય લખીએ। તો આ દોનો ચિત્ર દિયે હુએ દોનો પર આપકો 5-5 વાક્ય, મિનિમમ 5-5 વાક્ય લખને હે। પહેલા હે સૂર્ય, તો સૂર્ય દુનિયા કો પ્રકાશ દેતા હે, સૂર્ય કા ઉદય પૂર્વ દિશા મેં હોતા હે, શામ કો यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है, सूर्य हमारा जीवन का आधार है, इसलिए हमें इसे देवता मानते हैं, सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। आ विद्यार्थियों आ 5-6 वाक्यों था ये सूर्य विषय थया। हवे आपने अहीं एक फूल नु चित्र आपेलु छे, तो आपने हवे फूल विषय हूँ तमने कहीश। हवे आपने हिंदी में समझीशुं। फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और अलग अलग खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाई दिया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है, ये और सूर्य के निकलते ही खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर ही देखता रहता है। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે હું તમને ગુજરાતીમાં સમજાવું કે આ સૂર્યની બાજુમાં જે ફૂલ આપેલું છે એનો મેં તમને પરિચય કરાયો કે એ શેનું આપેલું છે, તો એ સૂરજમુખીનું, બરાબર। એટલે અહીંયા એ રીતે તમારે 5-5 વાક્ય બંનેના લખવાના। હવે પ્રશ્ન નંબર 6, નીચે દિયે ગયે શબ્દો મેં સે ઉચિત સર્વનામ ચુનકર રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ। અહીંયા પહેલી, હવે હું હિન્દીમાં જ બધું બોલીશ। तुम्हारा नाम खाली जगह है, तो तुम्हारा नाम क्या है? देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है, तो देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। त्रिजू, खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो इनका जवाब आसे कि खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने खाली जगह काम पूरा किया, मैंने अपना काम पूरा किया। खाली जगह कहाँ जा रहे हैं? तो आप कहाँ जा रहे हैं? विद्यार्थी मित्रों, हवे अहिया ऊंची आवाज में पढ़ियो और समझिए। अहिया जे आ शब्दों आपेला छे ए तमारे वाचवानु अने समझवानु कीधु छे। प्रणाम, सूक्ष्म, कार्यक्रम, એટલે આ તમારે આ શું કરવાનું છે કે આ બધા જ શબ્દો તમારે તમારી પાકી નોટમાં લખવાના છે। હવે સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્નો કે ઉત્તર લખીએ। પહેલા, ફૂલો સે હમે ક્યા સીખ મિલતી હૈ, તો ઉસકા ઉત્તર હે કે ફૂલ હમેશા ખુશ રહેતા હૈ, આંધી ઓર વર્ષા મેં હસતે હસતે રહેતા કે કર લેતા હૈ। ઉનકે હમે યહ સીખ મિલતી હૈ કે હમ પ્રત્યેક સ્થિતિ મેં ખુશ રહે ઓર કઠિન સે કઠિન પરિસ્થિતિ કો હમ હસતે હસતે સહન કરે। બે, सूरज की किरणों से क्या, सूरज की किरणें क्या करती है? तो इसका उत्तर होगा कि सूरज की किरण अंधेरा दूर कर भगाकर सारे संसार में प्रकाश फैलाती है। तीसरा, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक अपने हृदय को जलाकर जग को रोशन करता है। प्रश्न नंबर 4, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो धरती को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर इधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फूलिया को लगाकर प्रवृत्ति में सहयोग करेंगे। अच्छी आगर, पांचवा प्रश्न, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
तो इसका उत्तर है जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करना चाहिए और दीनहीन लोगों को की सेवा करनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों यहाँ आपणे ये पांच प्रश्न पूर्ण हुए। पर या के जब आप किसी वस्तु के नाम लेते हो तो तस्वीर अपने सामने आ जाती है, तो ये संबंधी चित्र पर दिए गए उदाहरण के तौर पर घेर फूल शब्दों के नाम की लहर में पंखड़िया में लिखते भाव सामने लगाए और इस तरह अपने घर में लिखे संबंधी के धन्य शब्द पर चित्र अहियाँ शू आप कि आज शब्दों ये प्रमाण आज चित्र आप अपने पहलू जुओ के फूल, तो फूल ताजगी देता है, सुगंध देता है, कोमल है और खुशी बरकाता है। एवी रीते पछी आपणे आ अहीं आपेलू छे शब्द चांद, तो चांद के सामने आपणे अहीं चांद छे तो आपणे अहीं लखवा चांद में आवशे किरणे आनंद शीतलता और चांदनी। फिर वृक्ष, तो वृक्ष में आवशे डाली फल पतिया घटा। धरती, तो धरती में आवशे सागर प्राणी पर्वत जंगल। समान प्रासळे शब्द पढ़ियो और बोलिए। आपणे पेलू आगळ जे रीते कर्या था अहीं आपणे आपे था ने आ शब्दो के ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए, एटले समान समान प्रासळे प्रास प्रास एटले एना पाछळनो जे लंबाई या मानवीय मानवता आ बधुं छे ने, एटले एम कीधुं छे सरखा प्रासवाळा एटले एक सरखा शब्दो जे आवता होय ए तमारी जाते समान प्रासवाळे शब्दो पढ़िए और बोलिए, एटले तमारे वाँचवाना અને સમજવાના પણ આ તમારે તમારી પાકી નોટમાં પણ લખવાના છે બરાબર। પછી આગળ નિમ્નલિખિત શબ્દો કા વચન લિંગ વચન પરિવર્તન કરને કરકે વાક્ય મેં પ્રયોગ કીજીએ। લડકા તો લડકે, તો યહાં પાઠશાળા મેં સભી લડકે પ્રાર્થના કે લીએ નિયમિત હે। તો બીજો આપણે આપ્યું છે પંખા, તો પંખામાં આવશે પંખે, तो एना आवशे के हमारी कक्षा में दो पंखे है, आँख तो आँखे। दुर्घटना में लड़के की दोनों आँख चली गई। किताब तो किताबे, मैंने कहानी की तीन किताब खरीदी पौधा तो पौधे, हमने बाग में नए पौधे लगाए। पेंसिल तो पेंसिले, तो एनो मीनिंग आवशे ये सभी पेंसिले अच्छी है। पछी अहीं आपणे आप्युं छे कि आ जे काव्य आप्युं छे शुं कीधुं छे के काव्य पंक्तिओ को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। अहीं तमारे आ काव्य पंक्ति छे ए काव्य पंक्ति काव्य तमारे लखवानी छे। पछी शुं कीधुं छे के एनो भावार्थ हुं तमने समजावुं छुं। हुं पहेला काव्य वाँची देश। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जलाकर रोशन कर जग करता है। आओ हम सभी बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और धरती को महकाए। विद्यार्थी मित्रों अहीं आपने बे काव्य पंक्ति आपेली छे, तो अहीं हूँ तमने बन्ने नु वालापट्टी वालापट्टी समझाईश। अहीं पहला आपने दीवानु आप्युं छे के दीवो एम के અગ્નિ પ્રગટાવે, પોતાનું શરીર દજાવે અને એમ કે આખા જગને અજવાળું આપે છે। હું હવે તમને હિન્દીમાં સમજાવી કે દીપક સદા સ્વયં જલતા હે ઓર લેકિન હમે પ્રકાશ દેતા હે, હમે ભી દીપક કી તરહ સ્વયં કષ્ટ લેકર લેકિન દુઃખ કો લોગો કો દુઃખ કી દૂર કરને કે લીએ સુખી બનાના ચાહીએ, એસા કરને વાલે માનવી કો યશ મિલતા હે। પછી આપણને અહીંયા આવો હમ ઇન્સા બનકર જગ મેં ઇન્સાન કમાય, તો શું કીધું છે કે એસા કરને વાલે માનવી યહ મિલાતે હે, દિલ કો સચ્ચા ઓર અચ્છે કામ કરને વાલે દુનિયા કો સુંદર ઓર સુખમય બનાતે
है। केव सरस मजाना बे वाक्यनुं आपणने अहींया भाषांतर आपेलुं छे तेनुं मैं तमने समजाव्युं। विद्यार्थी मित्रों, आपणे आटला सुधी ज लखवानुं छे। जे प्रमाणे मैं प्रासवाळा शब्दो कया ए बधुं तमारे लखवानुं छे, परंतु पहेला तमारे ज्यारे काव्यनी शरूआत लेसननी शरूआत करो त्यारे काव्य नंबर 5 धरती को महकाए, पछी आजे काव्यना 3 पेरेग्राफ छे, 3 पेरेग्राफ तमारी पाकी नोटमां लखवाना, पछी शब्दार्थ लखवाना, अभ्यास लखवानो, अभ्यास पूर्ण थाय पछी स्वाध्याय लखवानुं रहेशे।